बात बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की, तो ठीक है इतनी बड़ी हंगर स्ट्राइक वो कर रहे हैं, अच्छा है, तो ये प्रण में उनको लेना चाहिए कि फिर वो विधानसभा के चुनाव में भी जो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आम आदमी पार्टी, वो भी तभी जाएगी जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। लास्ट ईयर तक सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में जमा होते थे तो हमारे पास मात्र फोटोकॉपीज थी, इस बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं सब लोगों के, और पूरा जांच परखने के बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय को हम एक छात्र संघ, एक अच्छा छात्र संघ देने का काम करें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टेट सेक्रेटरी हैं सिद्धार्थ यादव, आपका फोरम 4 में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं, जैसे अभी CYSS है, चुनाव के ठीक पहले हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई है, कुछ डिमांड्स हैं उनके, 4-5 डिमांड्स हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब कि हमारी डिमांड्स को मान लिया जाए, प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो ABVP ने भी क्या इस तरीके से मुद्दों को आगे उठाया था, इन मुद्दों को, क्योंकि जो जेन्युइन डिमांड्स हैं 24/7 लाइब्रेरी की व्यवस्था है और इसी तरीके से बैलेट पेपर का एक मुद्दा है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसको देखने का एक ही तरीका है और वो तरीका है कि चुनाव से जस्ट पहले CYSS आखिरकार अब देखने में दिख रही है और उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बैठने का फैसला किया, और चुनाव के डर से जो वो पीछे भाग रहे हैं उन्होंने एक नया मुद्दा लेके वो अपने इसमें आए हैं। साल भर कोई छात्रहित का मुद्दा उनको याद नहीं आया, पर अभी उनको क्या याद आया कि अगर EVM से वोटिंग होगी तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बैलेट पेपर से होगी तो हम करेंगे। वो वैसे भी कह सकते हैं कि हम वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बीच में कई सालों तक उन्होंने नहीं किया पार्टिसिपेट, छात्रों ने उनसे सवाल नहीं पूछे, तो ठीक है उनके मुद्दे हैं अपने। एक उनका मुद्दा है कि सभी छात्रों को छात्रावास की व्यवस्था की जाए, और उनके धरने में मुझे भी जाने का मौका मिला था और मैंने उनसे पूछ लिया कि उनको पता भी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं, तो ये तक जवाब उनके पास नहीं था। तो आज एक चुनाव से पहले अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराने का एक प्रयास CYSS कर रही है, और इस प्रयास में वो चुनाव में उतरने भी नहीं वाले हैं। और अगर रही बात बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की, तो ठीक है इतनी बड़ी हंगर स्ट्राइक वो कर रहे हैं, अच्छा है, तो ये प्रण में उनको लेना चाहिए कि फिर वो विधानसभा के चुनाव में भी जो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आम आदमी पार्टी, वो भी तभी जाएगी जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तब क्यों वो EVM से चुनाव के लिए तैयार है और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में वो बैलेट पेपर पर चाहते हैं। तो एक जो दोहरा मापदंड CYSS ने अपनाया हुआ है उसको एक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र आज कोई सिग्निफिकेंस देने को तैयार नहीं है, और अभी जो मुद्दे हैं सारे वो छात्रहितों के हैं। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स विद्यार्थी परिषद ABVP को मिल रहा है सभी कॉलेज कैंपसेस में, और उसका कारण बस इतना है कि हमने साल भर जो स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेके और उनके बीच में जो काम किया है, वो जो एक अच्छा वातावरण निर्माण करने का काम दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने किया है, उसका फ़ायदा विद्यार्थी परिषद को मिल रहा है। आप लोगों की चुनाव को लेकर के क्या प्लानिंग है आगे, किस तरीके से आप स्टूडेंट के बीच जा रहे हैं और क्या समझा रहे हैं? चुनाव को लेके सबसे पहला जो काम विद्यार्थी परिषद कर रहा है वो अभी हम जाके किसी भी को भी ये नहीं बता रहे कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हम उनको सर्वप्रथम जाके यही बता रहे हैं कि हमने उनके लिए क्या कर दिया है। आज अगर 24/7 लाइब्रेरी की बहुत लंबी लड़ाई इस विश्वविद्यालय ने लड़ी, विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर लड़ी, अगुवाई में लड़ी, और आज भी कुछ छात्र संगठन 24/7 लाइब्रेरी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उनसे कोई आग्रह करे और कहे कि जाके देखो तो 3 बजे 24/7 लाइब्रेरी चल रही है, एक 24/7 रीडिंग रूम चल रहा है, वो विद्यार्थी परिषद के प्रयासों से सफल हो चुके हैं और ये आज भी उसको मुद्दा बना के बैठे हुए हैं। तो अभी हम स्टूडेंट्स के बीच में जाके इतना ही बताने का काम कर रहे हैं कि हमने उनके लिए साल भर क्या किया, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेज हों, बस शेल्टर्स हों, मिशन साहसी जैसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जिसमें हमने मेंटली और फिजिकली ट्रेन करने का काम छात्राओं को किया, स्वयं सिद्धा हो, शी द चेंज कार्यक्रम हो, ESI ब्लीड कॉन्क्लेव हो, जो भी कार्यक्रम और आंदोलन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने किया वो हम छात्रों को बता रहे हैं। उसके बाद जो हमारा विजन है दिल्ली विश्वविद्यालय का वो हम छात्रों के बीच में लेके जाएंगे, और अपने संगठनात्मक पूरे इलेक्शन की तैयारी के नाते से बहुत नए दायित्व भी हमने स्टूडेंट्स में दिए हैं, और बहुत बढ़ चढ़ के स्टूडेंट्स पूरे इलेक्शन में हमारा साथ दे रहे हैं। अभी जैसे वो आरोप लगा रहे हैं ABVP के ऊपर कि अभी गर्जना रैली हुई, उसमें भी कुछ लोगों से छेड़खानी हुई, क्या हुआ वहाँ पे सावरकर की मूर्ति लगी थी, उसमें कोई रिपोर्टर आई थी, उसके साथ कुछ हुआ, तो मतलब एक तरीके से वो कहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग गुंडे हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये साल भर कुछ काम नहीं करते, क्योंकि उनको ये तो सबको दिखता है कि हम साल भर पूरे छात्रहितों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या चारा बचता है? आप यही कह सकते हो चुनाव से पहले कि ये लोग गुंडे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वास्तव में देखा जाए तो छात्र गर्जना रैली जो दोनों कैंपसेज में हुई जिसका वो विश्लेषण कर रहे हैं, 5,000 से अधिक छात्र एक स्थान पर आता है, इतना स्मूथ एक पूरी रैली निकल जाती है, सारे वक्ता अपना भाषण देते हैं और वो अंत में भी उसकी पूरी स्थान की सफाई करके चले जाते हैं,
और उसको पूरे इलाके को साफ कर देते हैं। लगता भी नहीं कि 5000 विद्यार्थी यहाँ पे आया था। कितने अनुशासित संगठन को अगर कोई गुंडा बता रहा है तो उसका क्या कर सकते हैं। और जहाँ पे ये लोग धरने पे बैठे हैं या कोई NSUI का प्रोटेस्ट होता है, अब उसकी हालत देखिए स्थान के जाके क्या हो रही है। तो ये एक तुलनात्मक चीज़ जो है वो अपने आप समझ में आ जाती है। ठीक है, एक फैशन के नाते इनको लगता है कि चलो कुछ तो बोले हम ABP के खिलाफ। अब ये तो बोल नहीं सकते कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं करते। बहुत से संगठन हैं महिलाओं के लिए डफली बजाते रहते हैं कि फेमिनिज्म हो, पर आपने करा क्या? करा कुछ भी नहीं। तो विद्यार्थी परिषद प्रॉब्लम्स में बिलीव नहीं करती, हम प्रॉब्लम विद सोल्यूशन में बिलीव करते हैं। और हमने सोल्यूशन देने का काम किया है, हज़ारों चीज़ों के लिए किया है। जो लोग नहीं दे पा रहे हैं सोल्यूशन और मात्र प्रॉब्लम के लिए रो रहे हैं, वो विद्यार्थी परिषद को भी ऐसा उलट सुलट कहने का काम करते हैं, जबकि छात्र जो है वो जानता है सच्चाई क्या है। एक अंतिम सवाल और कि जिस तरीके से पिछली बार देखने में आया कि अंक्यू बसेवा का जो वो मामला था फर्जी डिग्री वाला, तो इस तरीके से आप क्या इस बार नॉमिनेशन में आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि आपकी इंटरनल कुछ ऐसा कुछ है जांच के लिए कि आप उनको जांच करके फिर आप कैंडिडेट खड़े करेंगे? देखिए, जांच करने का काम पिछली बार भी विद्यार्थी परिषद ने किया था। जो पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय की जाँच करने की प्रक्रिया वो बहुत अपने आप में स्लो है। हमने उसके बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय से मांग की थी कि वो लोग उसकी जाँच करें। लास्ट ईयर तक सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में जमा होते थे, तो हमारे पास मात्र फोटोकॉपीज थी। इस बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं सब लोगों के, और पूरा जांच परखने के बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय को हम एक छात्र संघ, एक अच्छा छात्र संघ देने का काम करेंगे। रही बात उस पूरी प्रकरण की, एक विश्वास और छात्रों ने हमें दिया है। वो विश्वास ये है कि पिछले 2 वर्षों में हमने ऐसे छात्र संघ के अध्यक्ष देखे जो विवादास्पद थे, जिन पर कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हुआ। पर एक तरफ विद्यार्थी परिषद का वो स्टैंड था कि जब हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष पे, जिसको छात्रों ने चुना, कुछ विवाद खड़ा हुआ, तो हमने फर्म स्टैंड लेते हुए उनको अपने संगठन से निलंबित करने का काम किया। उनसे हमने आग्रह किया कि अपने आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, ताकि जो और छात्र संघ का अध्यक्ष बन के छात्रों की मदद कर सके। और उससे ही पिछले साल जब NSUI के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, साल भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, साल भर पावर्स के लिए लड़ाई लड़ते रहे कि मेरे को छात्र संघ की पावर्स दी जाएँ। साल भर अंतिम समय तक वो यही लड़ाई लड़ते रहे कि मेरे को छात्र संघ का अध्यक्ष मान लिया जाए, क्योंकि उनका नॉमिनेशन गलत था, नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ था, वापस आया, कोर्ट में लड़ाई चली, आज तक ये चल रहा है। तो ये विद्यार्थी परिषद का जो संगठनात्मक एक हमारा विचार है, जो हमारा फर्म बिलीफ है, कि एक रिस्पॉन्सिबल और स्टूडेंट फ्रेंडली डूसू देने का काम हमने पहले भी किया है, स्टूडेंट फ्रेंडली डूसू देने का काम हम अब भी करेंगे। और पूरा सबको एक अच्छा नेतृत्व, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के नाते से ABP में से लीडर्स निकलते हैं, तो ऐसे ही लीडर्स जो भी 4 इस बार हमारे होंगे वो देने का काम हम दिल्ली विश्वविद्यालय को करेंगे। जितनी भी समस्याएं उसका भी निराकरण विद्यार्थी परिषद के आह्वान पे होगा। शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। थैंक यू।